गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं गाऊं मैं सुबह शाम, तुलक सागर एक नाम। क्योंकि अशुभ चिंतन अशुभ विचार सामने वाले का सत्यानाश कोई नहीं कर सकता है। जैन दर्शन कहता है यहां कोई किसी का कर्ता हर्ता नहीं हुआ करता है, लेकिन हम अपने कर्ता हर्ता तो होते हैं ना। अच्छी दुआएं देंगे वो सुखी हो या ना हो, दुआ देते समय आप तो सुखी हो जाया करते हैं। बद्दुआएं देंगे वो बर्बाद हो या ना हो, हमारी बद्दुआओं से हमारा भविष्य तो बर्बाद हो जाता है। ध्यान रखना, किसी के मुंह पर कालिख पोतना हो ना तो उसका मुंह बाद में काला होता है, पहले अपने हाथ काले हो जाया करते हैं। किसी को गड्ढे में गिराना हो ना तो सामने वाला बाद में गड्ढे में गिरता है, पहले हमको गड्ढे में उतरना पड़ता है। ध्यान रखिए, जो हम दूसरों के लिए करेंगे पहले हमें वही प्राप्त हुआ करता है। जीवन को बिल्कुल धन्यता के साथ जीने का प्रयास करो। तीर्थंकर महावीर जन्म से भी सम्राट थे, सम्राटों जैसा जन्म लिया, सम्राटों जैसा जीवन जिया, और दीक्षा लेने के बाद भी वो भिक्षु नहीं सम्राट की तरह शान से जीते थे। संघर्ष और उपसर्ग आ गए उसमें भी वो दीनहीन नहीं बने, वो सम्राट की तरह खड़े रहे। और जब दुनिया से विदा होने का समय आया मोक्ष में भी जाकर बड़ी शान से सम्राट की तरह भगवान विराजमान है। सारी दुनिया जिनका नाम स्मरण कर रही है, जिनका पुण्य स्मरण कर रही है, वही जिंदगी हुआ करती है। महान हो महान की तरह जियो, महानता के साथ दुनिया से विदा लो। ध्यान रखना मान्यवर, किसी को दुआ ना दे सको मुस्कुराहट तो दे सकते हो, किसी को दो शब्द मीठे बोल तो बोल सकते हो ना। मीठा बोलने में तुम्हारा क्या जाता है, कुछ घाटा लगता है, कुछ तुम्हारा नाम नीचा हो जाता है, बेइज्जती हो जाती है, तुम्हारा सम्मान घट जाता है। सम्मान नहीं घटता है। एक बात ध्यान रखना, 1000 लीटर नींबू का रस कहीं पड़ा है ना तो एक भी चींटी उसकी तरफ नहीं आती है। 1000 लीटर नींबू का रस, एक भी चींटी उसकी तरफ नहीं आती है, और एक बूंद चाशनी कहीं पड़ी है ना, हजारों चींटियां उसकी तरफ चली जाया करती हैं। क्योंकि चाशनी की बूंद में मिठास भरी है, नींबू के रस में खटास भरी है। हमारी जुबान खट्टी होगी ना, एक भी आकर्षित नहीं होगा तुम्हारी तरफ। तुम्हारा व्यवहार खट्टा होगा ना, कोई तुम्हारे पास बैठने को तैयार नहीं होगा। तुम्हारे व्यवहार में यदि खट्टापन भरा है, तुम्हारी सोच में खट्टापन भरा है, कौन तुम्हारा साथ देगा। ध्यान रखना, हम जब दुनिया में आए कितने लोग हंसे इसकी कोई कीमत नहीं होती है, दुनिया से जब जाएंगे तो कितने लोग रोए इसकी कीमत हुआ करती है। ये हमारी जीवन की कमाई है। कितने लोग आंसू बहाते हैं हमें याद करके, कितनों की आंखें भरती हैं हमें याद करके, वो हमारी जीवन की कमाई है। ध्यान रखना, संत का चातुर्मास हो रहा है, कितनी खुशियां मिल रही हैं उसका कीमत नहीं होता है। संत जब चले जाएंगे कितनी यादें लोगों को आएंगी उसकी कीमत हुआ करती है। हम जहां से जाएं अपनी यादों को छोड़ करके जाएं, हम जहां से विदा लें अपने चरित्र व्यवहार को छोड़ करके जाएं, आदमी जहां से जाए अपने चरण चिन्हों को छोड़ करके जाए, स्मृति चिन्हों को छोड़ कर जाए। हम साधु संत जिन नगर में चले जाए, जिन गांव में चले जाए ना, दो चार 8-10 भक्तों की टोली तैयार हो जाया कर, कुछ तो छोड़कर आते होंगे, कुछ तो उनके जीवन का ऐसा व्यक्तित्व होगा जिसे याद कर करके लोग दूर दूर से उसके पीछे चले आते। जीवन उसी का नाम है। जहां से जाओ ना तो लोगों को ऐसा महसूस होना चाहिए कि यार आज वो नहीं है तो बड़ा सूना सूना लग रहा है, आज उसके बिना मन नहीं लग रहा है, आज वो नहीं है तो उसका स्थान खाली दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं लगना चाहिए हमारे जाने के बाद कि अच्छा था चला गया, कब से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि इसको यहां से
उठा ले, ध्यान रखना। हम तो चाह रहे थे कब जाएं, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि तुम घर से बाहर गए और घर के बच्चे कहें मिल गया 15 अगस्त, मजा आ गया, आज वो बाहर चले गए, अब खूब मस्ती करो। तुम्हारे आने का लोग इंतजार करें तो समझना हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है, और तुम्हारे जाने के लिए भगवान से प्रार्थना करें तो समझना हमारा व्यवहार बहुत खराब है। ध्यान रखना, सोचना है आपको कैसा व्यवहार बनाना है। भगवान महावीर 2600 साल पहले दुनिया से चले गए, आज भी हम उन्हें याद करते हैं ना, आज भी कहते हैं कि भगवान फिर से लौट कर आ जाओ इस संसार में, आज भी फिर से नहीं कहते क्या, रोज कहते हो, नहीं बुलाते रोज भगवान को, नहीं बुलाते तो अभी क्या बोल रहे थे, महावीर जिनेन्द्र अत्र उतर उतर सम्मूर्तिहावनम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव भव वसत सन्निधि करणम परिपुष्पांजलि। ये क्या है, रोज पूजा में क्या कर रहे कि महावीर फिर से लौट कर इस धरती पर वापिस आ जाओ। क्या आपके रिश्तेदार, आपके परिचित तुम्हें बोल सकते हैं कि तुम फिर आना, हाँ दिखावे में बोल दे कि फिर आना, वो कभी आजमाना हो ना, यदि कोई रिश्तेदार बोल दे फिर आना, थोड़ा घूम घाम के स्टेशन से फिर लौट आना, फिर देखना उसका मुंह कैसा बनता है, जैसे तैसे तो गए तुम फिर लौट करके आ गए इतने जल्दी, विचार करो। अरे ऐसी जिंदगी बनाओ कि लोग कहें अतिथि कब आओगे, ऐसी जिंदगी मत बनाओ कि लोग कहें अतिथि कब जाओगे। ध्यान रखना, आनंद सम्राट हो जैसा जीवन जिए, दिल को बड़ा करके जिए, छोटा दिल मत करो, दरिद्रों का दिल बहुत छोटा होता है और सम्राटों का दिल बहुत बड़ा हुआ करता है, बड़े दिल के बन करके जियो, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। ध्यान रखना, किसी के जख्म पे मलहम लगा के देखो, बहुत सुकून मिलता है, किसी के आंसू पोंछ करके देखना, बहुत आनंद मिला करता है, किसी की सहायता करके देखना, जीवन में आनंद की बरसात हो जाया करती है। जीवन को धन्यता से भरे, धार्मिकता से भरे, ये सब बातें कहां मिलेंगी, बाजार में नहीं मिलेंगी, स्कूलों में नहीं मिलेंगी, दुकान में मॉल में नहीं मिलेंगी, ये सब सत्य की बातें, आनंद की अनुभूति, इनकी यदि कहीं कोई पाठशाला है तो संत के दरबार में जो सत्संग हुआ करता है वही जीवन की पाठशाला। एक आनंद के क्षण होते हैं मान्यवर, जीवन को इतना सहज बना लो, इतना आसान बना लो कि हमें ही हमारे जीवन से परेशानी ना हो, नहीं तो कभी कब हमारा व्यवहार ही हमें परेशान कर देता है, कभी कभी हमारा क्रोध ही हमें परेशान कर देता है, कभी कभी हमारा अहंकार ही हमें अपमानित करवा दिया करता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारे छल कपट और प्रपंच हमें ही हमारे फंदे में डाल दिया करते हैं, दूसरे की तो क्या बात करें, हम स्वयं उस जिंदगी को बोझिल बना लिया करते हैं। जीवन को बोझिल मत बनाओ, जीवन को आनंद में मनाओ, जो भी है उसमें आनंद बटोरने का प्रयास करो, जो मिला है उसमें खुश रहने का प्रयास करो, ये चंद सांसें जो तुम्हें मिली हैं ध्यान रखना, रोकर जियो या हंसकर जियो, जीना तो पड़ेगा ना, रो रो करके जिंदगी क्यों जीना, हंस हंस करके जिंदगी जियो। ये हंसने के पल, ये आनंद के पल इतनी सहजता से नहीं मिला करते हैं ध्यान रखना। जब तुम हंसते हो, जब तुम खुश होते हो, जब तुम आनंद में जीते हो ना, तो समझना हमारे पुण्य का उदय चल रहा है। जब विषाद में जीते हो, पीड़ा और दर्द में जीते हो, तो समझना ये मेरे पिछले जन्म के पाप का उदय। क्यों पापों को उदय में लाते हो, उन्हें उदय से पहले ही नष्ट कर दो, मुस्कुराकर आनंद के साथ जीवन सार्थक होगा। ध्यान रखना, जो होना है वह होकर रहता है, उसमें हम कुछ भी फेर बदल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने जीवन को आनंद में विचार करिए। इतना बड़ा कोरोना काल बीता, कई लोगों के व्यापार ठप हो गए,
कई लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई, कई लोगों के बहुत पीछे चले गए, बरसों पीछे, ध्यान रखना। मध्यम वर्गीय लोगों का जीना दुश्वार हो गया, दो वक्त की रोटियां भी नहीं मिल रही हैं, लेकिन फिर भी आदमी जी रहा है एक आस के साथ। विचार करना है आप, ये जो विमल जी यहां बैठे हैं, आज उनका जन्मदिन है। कोरोना में सब कुछ होने के बाद भी मैं पूछता हूं कैसा है? बड़े आनंद से बताते, नहीं आनंद जो है है, क्या कर सकते, पूरे देश में यही चल रहा है, पूरी दुनिया में यही चल रहा है। मैंने कहा कोई अशांति? बोले काय की अशांति, जो चल रहा है वो बढ़िया है। वो भी दिन थे, ये भी दिन है, वो दिन नहीं रहे तो ये भी दिन रहने वाले नहीं। सब दिन हो तो ना एक समान, बड़े बड़े सम्राटों के जीवन में एक से दिन नहीं आया करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, हर बुरा दिन हमेशा बुरा नहीं रहता, उसमें बहुत सी अच्छाइयां भी छुपी होती हैं। कोरोना काल हमेशा को बुरा नहीं रहा, जिन रिश्तों को, जिन परिवार के बीच बैठने को हमारी पीढ़ियां तरस गई थी, कोरोना ने पूरे परिवार को एक घर में रहना सिखा दिया है, बच्चों के साथ बैठना सिखा दिया है, उनके साथ बोलना, रिश्ते मजबूत होना प्रारंभ हो गए हैं। नहीं तो तरसते थे कि सुबह से निकल जाता था बंबई में आदमी, शाम को लौटता था, बच्चों के पास बैठने का वक्त ही नहीं था। ध्यान रखिए, कोरोना ने सिखा दिया ना, कोरोना ने यह सिखा दिया कि घर के भोजन में जो आनंद है वो बाहर के भोजन में प्राप्त। होटलें बंद हैं, सब बंद है, कहां खाओगे? घर में ही खाओ, प्रभु का नाम लो, आनंद के। चारों लोग बैठ जाते हैं, आपस में बात करते हैं। विचार करिए, ये कोरोना ने तो सिखा दिया ना तुमको, कोरोना ने सिखा दिया कम पैसों में भी जिंदगी कैसे जी जाती है, ये कोरोना ने सिखाया हमको। ये जैन धर्म का ही तो सिद्धांत है। विचार करिए, कहा जाता था जीव की हिंसा ना हो, जीव की हिंसा ना हो, कोरोना ने कह दिया। हम जैनियों में एक पंथ ऐसा है ना जो मुख पर पत्ती लगाया करता है, ध्यान रखना, कोरोना ने सिखा दिया सबके मुंह पे मास्क होना चाहिए, ध्यान रखना, ये सिखा दिया। मांसाहार मत करो, ये कोरोना ने सिखा दिया है आपको। है अटरम सटरम मत खाओ, ये कोरोना ने सिखाया है आपको। कम पैसे में सादगी का जीवन जियो, ये कोरोना ने सिखाया है आपको। बाहर ही बाहर घूमने वालों, अपने घर में देखो, घर एक मंदिर है, ध्यान रखना। अभी तो मंदिरों में जाके भगवान को तलाशते थे, भगवान ने कहा छोड़ो, अब मेरा मंदिर तो करो बंद और अपने घर को मंदिर बना लो, ये कोरोना की देन है। ध्यान, घर में ही मंदिर हो गए, घर में ही पूजा, घर में ही विधान, घर में ही अनुष्ठान, घर में ही मंत्र, घर में ही जाप। अब बताओ, इतने मंत्र जाप, इतनी पूजाएं घर में करोगे और फिर कहोगे वास्तु सही नहीं? अरे हो गया तुम्हारा कोरोना में वास्तु सही अपने आप, इतनी माला जाप, इतनी पूजा, जूम के माध्यम से लोग विधान कर रहे हैं, घरों में ही पूजा कर रहे हैं। टीवी जो पाप थी, कोरोना में पुण्य बन गई, क्योंकि महाराज जो विधान करा रहे सब देख रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, पुण्य में बद। हर चीज हमेशा बुरी नहीं होती है, हर बुराई में कुछ ना कुछ अच्छाइयां हुआ करती हैं, और हर अच्छी चीज हमेशा अच्छी नहीं होती है, अच्छाइयों में भी कभी कभी बुराइयां छुपी मिला करती हैं। जीवन को जीने का सलीका आ जाए ना, तरीका आ जाए, तो बुरे दिन में भी अच्छे दिनों के दर्शन हो सकते हैं। सोचना हमें है, विचार हमें करना है, इसलिए मैंने कहा जिसकी सोच बड़ी होती है वो सम्राट हुआ करता है, और जिसकी सोच छोटी होती है वो भिखारियों की तरह जिंदगी जीता है। कितना भी धन ऐश्वर्य क्यों ना हो, सोच बड़ी हो, सम्राटों की तरह जीना प्रारंभ करो, जीवन सार्थक और सफल होगा। अभी बहुत सारे अर्घ यहाँ पर चढ़ना है, भगवान महावीर का ये विधान अनुष्ठान चल रहा है, तो समय ज़्यादा आपका लेना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ यही हो रहा है, एक विधानकर्ता आते हैं, पहले वाले जाते हैं, अब दूसरे आने की तैयारी में लग गए हैं। हमारी धर्मशाला खाली नहीं है, ऐसा सिस्टम बना दिया है, एक आया एक गया, एक आया एक गया। पत्ता बोला डाल से, सुन पत्ते एक बात, पत्ता बोला डाल से, सुन पत्ते एक बात,
इस घर की यही रीत है, एक आवत एक जात, इस घर की यही, एक आता है और एक जा, लाइन लगी हुई है, 120 विधान है, सब अपने अपने नंबर से आकर यहाँ पर आराधना कर रहे, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ बैठने का। मालूम है जितने मेरे भक्त 20-20 साल 10-10 साल 6-6 साल से बने हैं ना, वो जो भी यहाँ से आता है और शाम को जब जाता है ना, कहते हैं महाराज ऐसा तो हमने अपने आपसे इतने वर्षों से जुड़े हैं, इतना समय इतना धर्म ध्यान हमने किया कभी नहीं, आपके पास बैठने का अवसर मिला, आहार का अवसर मिला। आज विमल जी कह रहे थे बड़े आनंद से आहार हुआ, बड़ी शांति से आहार हुआ, नहीं तो उन्होंने तो हमेशा भीड़ भाड़ में देखा है, एक ग्रास दे दिया धक्का लगा साइड हो गए, ध्यान रखना। लेकिन सारी क्रियाएं पार प्रक्षालन पूजन नमन नवदा भक्ति करने का सौभाग्य, गदगद होकर के लोग यहां से लौट रहे हैं कि नहीं महाराज ये सिस्टम बहुत अच्छा है, कोरोना ने ये बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया। तो मैंने कहा क्या चाहते हो, बोले हर चतुर्मास में ऐसे ही करना। मैंने कहा क्या मतलब है, बोले हमको बुलाना हर बार बाबा, रखना हमारा ख्याल बाबा, ध्यान रखना, विचार करिए। बोले बड़े आनंद, नहीं तो यहां सब ये होने वाला था क्या, कुछ नहीं होता, विधान किसी का भी हो हमारे बापी और भिलाड़ वालों को तो बैठना ही बैठना है, उनको तो बहती गंगा में हाथ धोना ही धोना है, गंगा घर चल के आई है, बाकी तो सब 2 मिनट में पूजा करने के लिए बैठ गए, ध्यान रखना। ये जीवन की सार्थकता और सफलता है, इनको कोई मतलब नहीं आमंत्रण दो नहीं दो, इनको तो भगवान की भक्ति करना। ये किसी का घर थोड़ी है, शादी विवाह है कि तुमको कार्ड भेजा जाएगा, भगवान का दरबार है, जो आएगा वो पाएगा। भक्ति साविकाएं विधान चलता है, खड़ी हो जाती हैं भक्ति करने को नृत्य करने को, इन्हें ये थोड़ी है कि किनका विधान है, उसने नहीं बुलाया उसने नहीं पूछा, अरे विधान किसी का थोड़ी होता है, विधान तो भगवान का हुआ करता है, पूजा तो भगवान, और भगवान सबके हैं। एक आदमी ने पूछा भगवान किसके हैं, मैंने कहा जो पूजे भगवान उसके हैं, जो श्रद्धा से पूज ले भगवान उसका हो जाया करता है। ऐसी महापूजा हम यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता।